करके किसी को भी पॉइंट देख करके डर नहीं लगना चाहिए। दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तब हमें दशमलव भिन्न प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ 2 3.5 लिख दिया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे डरना नहीं है, इसका मतलब होता है 3.5। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको और शॉर्ट करेंगे तो 5 7 35 और 5 2 10 7.5 है, 7 मतलब 3.5 कर सकते हैं, 7 सही 1/2। ये जो हम लोग 3.5 को 35/10 लिख देते हैं, इसी को हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। और जब भी ऐसा करेंगे तो नीचे आपको 10 की घात मिलेगी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझ लेंगे। जैसे कि 0.3 है, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं। बहुत बेसिक है, इससे बेसिक दशमलव भिन्न नहीं होता है, इससे बेसिक कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि ये जो 0 है पहले मैंने लगाया, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर 0 लगेगा तो उसका मतलब होगा, संख्याओं का मतलब होता है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ था, ये जो दशमलव दिख रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर अगर हम लोग 3 लिख देते हैं तो दशमलव है वहां पर 1 लिखा जाता है, और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, जैसे यहाँ पर एक ही संख्या है इसके दाई ओर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके दाई ओर नीचे में 1 0 लगा देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे 0.03 है, दशमलव की जगह में क्या लिखेंगे, 1 लिखते हैं नीचे में। ठीक है, नीचे में लिखेंगे 1, और उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने हम लोग क्या लिखेंगे, 1, और उसके बाद 0 लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, 2 0 लगेगा। क्यों ऐसा लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, 2 संख्या है तो हम लोग 2 0 लगाएंगे। उसी प्रकार देखेंगे दशमलव के बाद 3 संख्या है तो नीचे में 3 0 लगाया गया है। तो इसको जो ये लिखा गया है 1 2 3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/10 की पावर में 3, 1 के बाद कितना 0 है, 3 0 है, तो हम लोग 10 की घात 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा था कि 10 की घातों में रहता है। ठीक है, 10 की पावर में रहता है, आप चाहे तो लिखे, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सभी चीजें देखने वाले हैं। एक बात और बता दूं, इसको थोड़ा ध्यान देख ले, 1.03 है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 धन 0.03, जब ये जुड़ेगा तो इसी प्रकार हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 तो पूरा पूरा पूर्णांक है, 0.03 है, इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3/100 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये प्लस हट जाएगा, वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ना, 1/1 रहेगा तो एलसीएम कितना आएगा, 100 होगा, फिर भाग दे देंगे। तो 1.03 को एक प्रकार से इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरा प्रकार ये हो सकता है लिखने का, तीसरा प्रकार ये, तीनों प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये गणित का सवाल है। चलिए पहले क्वेश्चन में बात करता हूँ, बहुत आसानी से बना लेंगे, इसमें एग्जाम वो नहीं लिखे हैं हमें, क्या ऑप्शन देखेंगे। 10.55 000 है, इसको भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 10.55 है। अगर दशमलव के बाद मैं कितने भी 0 लगा दूं, यहाँ पर कितने भी 0 लगा दूं, इन 0 का कोई मतलब नहीं होता है जब तक यहाँ पे मैं कोई संख्या नहीं लिखूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है, 10.55, इसको बदलना है अगर भिन्न में, तो क्या करूंगा, दशमलव को हटा दूंगा मैं, दशमलव की जगह मैं 1 लिखूंगा, नीचे उसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो मैं यहाँ पे 2 0 लगा दूंगा, और यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मैं और सरल कर सकता हूँ, ठीक है, सरल कर सकता हूँ, मतलब ये कट रहा है तो 5 से मैं काट सकता हूँ, देखेंगे इसको मैं कम काट लेते हैं, ये 20 बार में कटेगा, 5 से 5 2 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आप लोग ऐसा कर सकते हैं, 211/20, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आया इतना, सर एक बार और बताइए। इसमें कुछ नहीं है, अगर दशमलव के बाद 0 0 लगाए गए, 3 0 लगाए गए, ठीक है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई संख्या देखे, अगर मैं कहूँ 10.30, ठीक है, 0, तो ये जो लास्ट के 2 0 है ना, इनका कोई मतलब नहीं है, इसको आप 10.3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो फिर ये 0 का काउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तब इनका मतलब रहेगा, अगर इसके पीछे कोई संख्या नहीं तो 10.3 ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए जितने भी 0 लगा लीजिए आप, उसका कोई मतलब नहीं होता है, बशर्ते उसके बाद कोई संख्या नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से एक चीज और समझ लेंगे आप लोग, एक चीज और होती है, अगर आपके पहले कितने भी 0 लगा लीजिए, 0 0 0, कोई 0.5 लिखेंगे, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ 0.5 होता है, कितना होता है, इसका मतलब सिर्फ 0.5। अगर यहाँ पे मैं कोई संख्या नहीं लिखता हूँ, कहाँ पर, इसके पहले में, अगर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ तो फिर ये 1000.5 बनेगा, और यहाँ पे 1 अगर नहीं है, 0.00.5 लिखा हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ 0.5 ही होता है, इसका इन 0 का कोई मतलब नहीं होता है।
ठीक है, इसको ध्यान देंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मतलब क्लास सेकंड थर्ड का। अब देखेंगे ये एक एग्जाम्पल है, इसको भिन्न में बदले, भिन्न में बदले, दशमलव के बाद देखेंगे कितनी संख्या, एक ये दो ये तीन ये चार ये पांच संख्या है, ठीक है, क्या लिखेंगे, दशमलव को हटा देंगे, तीन चार पांच छ नौ डिवाइड बाय क्या रहेगा, एक रहेगा, क्यों, ये दशमलव के स्थान पर, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, दशमलव के स्थान पर एक लिखा जाता है, एक दो तीन चार पांच संख्या है, तो पांच जीरो लगाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और आपका उत्तर आ गया है, ठीक है, यही आपका आंसर है, और ऑप्शन में नहीं लिया हूँ, ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को अपने आप समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कल करेंगे क्वेश्चन इस सब चीज के और करेंगे, है ना, ऑप्शन के साथ में करवाऊंगा मैं, क्योंकि तो जब तक ऑप्शन नहीं आएंगे मजा नहीं आएगा। चलिए ये तो था भिन्न में बदलना साधारण तरीके से, ठीक है, अब देखेंगे भिन्न का जोड़, है ना, दशमलव भिन्न का, इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है, जिसको जोड़ना घटाना आता है वो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएंगे मेरे साथ में, ठीक है, आपको जोड़ के बताना है। देखिए क्या है, 32.005, 0.005, 0.2 और 756, ये पूरा है, इसको आपको जोड़ के बताना है, तो जिसको जोड़ना आता है वो जोड़ना अपना चालू कर लीजिए, जिसको नहीं आता है इधर देखेंगे स्क्रीन पर अपने मोबाइल के, यहाँ पे क्या लिखा है, 32.005, थोड़ा दूर दूर पे लिखेंगे, देखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, सेकंड को जोड़ रहा हूं मैं, 0.05 है, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, 0.05 बस, फिर क्या लिखे, दशमलव दो लिखे, दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ इकाई अंक दो लिख दूंगा मैं, उसके बाद 756, ये दशमलव के साथ में नहीं है, 756 मेरा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 7 5 6, उसके बाद कुछ नहीं, तो दशमलव में 0 0 जरूर जितना भी चाहे मैं उतना लिख सकता हूँ, इसको जोड़ना है मेरे को, अब ध्यान देंगे इसके पीछे कोई नंबर नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ 0 0 लिख लें, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, चाहे तो आप 3 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डर लगता है साहब के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, जहां पीछे जाए खाली वहां भी आप 0 लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं होता है, अब जोड़ना स्टार्ट कीजिए, इसका मान आएगा 5 5 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी 1, तो सभी में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, दशमलव वैसे ही रहेगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 ये आ जाएगा, ठीक है, सभी कुछ समझ में आ क्या आएगा, इसका आंसर यस सेवन सर, डबल 8.210, तो ये 0 है, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो वन आप लोग ऐसे जीरो भी सकते हैं, 7.8.21, डबल एट ठीक ठीक है, टू वन जुड़ गया, ऐसे ही जुड़ेगा, जी सर, ठीक यस है, सर, आप लोग यहाँ देख ध्यान देंगे, जो दशमलव दो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है, ना कि ये 5 के नीचे पहुंचेगा, दशमलव के साथ नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बाएं तरफ वाली संख्या बाएं तरफ रहेंगी, दशमलव के दाएं तरफ वाली संख्या दाएं तरफ रहेंगी, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो उसके बाद अपन 0 लगा सकते हैं, लेकिन अपने आप कोई संख्या नहीं लगाएंगे, ठीक है, चलिए ये तो जोड़ना हो गया, चलिए एक घटाना भी देख लीजिए कैसे घटाएंगे, यह 32.05 को अरे 32 हम लोग कुछ को कुछ घटा आपको देंगे, क्या लोगे पानी में थोड़ा 324 दशमलव 0.357 ये है, यहाँ पे क्या कहेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, 32 इधर, यहाँ पे आप लोग 32 लिख लेंगे ऐसा करके, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखेंगे घटाना क्या है, 7 5 9 6 7 2, कौन घटा के इसका आंसर बताएगा, ऊपर में क्या है, दशमलव के बाद केवल 4 अंक है, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 2 4 2 6, तो एक्स्ट्रा अंक है ना, तो 2 एक्स्ट्रा अंक है, तो यहाँ पे पीछे में 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होती, इसको माइनस करना है, ध्यान से देखेंगे, ये 0 है, यहाँ से पावर पहले यहाँ जाती है फिर यहाँ जाती है, ठीक है, तो ये जो होगा ये 10 बनेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बनेगा, जब पावर इधर गई थी तो ये भी 10 बना था, लेकिन इसने एक पावर इधर और ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए क्या बन जाता है, 9 बन जाता है, ठीक है, एक कम हो जाता है, ये 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, ठीक है, इसने पावर इधर दी थी तो ये 6 बचा जाएगा, 6 में से फिर जाए 6 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, 0, ठीक है, आप देखेंगे ये 5 कम पड़ गए, इसने किसी को पावर नहीं दी थी, लेकिन 9 माइनस करना है तो यहाँ से पावर दे दो इसको, ये क्या हो जाएगा, 15, 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, अब इसने पावर दी है 3 ने, तो ये क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से पावर इसके पास नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से आएगी, ये बनेगा 10 और ये इधर और बना देगा तो 12, 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 7, इसके पास पावर आई थी तो 9 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2, दशमलव दशमलव ही रहेगा, अब जब इसने पावर ट्रांसफर करी थी तो 4 था ये, तो 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1,
ठीक है। अब इसने पावर ना ली है ना दी है, दो वाले ना, ठीक है, लेकिन तीन घटाना है, माइनस नहीं होगा। तो इधर जाएगा तो 12, 12 में से तीन जाएगा तो क्या नो बचेगा, नौ, और तीन में से नो दो ये तीन इधर चला गया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, दो, 291 दशमलव 27028। आपको लग रहा होगा बहुत आसान, लेकिन जब करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलती होती। देखो यहाँ पे ना एक एक बार में तीन तीन जगह पावर ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। एक बार इसको और आप लोग घर में जरूर प्रैक्टिस कर लेना, और पॉइंट्स बिल्कुल भी कंप्लीट वीडियो दो बार देख लेना। आप लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ व्यूज वगैरह यूट्यूब में मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब आप लोग मतलब पूरा उसको देखते नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है साथ में, लाइव देखा हुआ है, तो आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, अभी मैं और चीजें बची हुई है, एकदम बेसिक है, कल एडवांस क्वेश्चन करवाऊंगा इसके, है ना। ऐसा जिसको मैथ्स बनता होगा तो कोई ये मत सोचना कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए आप लोग, क्या करना है, 2.54 को मल्टीप्लाई करना है 3.656 से। करिए मल्टीप्लाई करिए, ठीक तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तीन अंक है और यहाँ पे दो अंक है, तो पांच अंक के बाद जब मल्टीप्लाई होता है तो जो दशमलव का ये होता है ना, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होती है आपस में जुड़ जाती है। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए इसको, ठीक है। पहले मैं उल्टा करता हूँ, 4 से 6 करता हूँ, 4 6 24 का 4, 8 पे दो, 4 5 20, 2 22 का 2, 8 पे 2, 4 6 24 25 26 का 6, 8 पे दो, 4 3 12 13 14, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। एक संख्या पीछे में कट जाती है, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 5 जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 के 30 का 0 आ जाएगा, 8 जाएगी 3, 5 5 25 26 27 28 का 8 आ जाएगा, 8 जाएगी 2, ठीक है, 5 6 के 30, 2 32 का 2 आ जाएगा, 8 जाएगी 3, 5 3 15 16 17 18, ये 18 आ जाएगा। एक बार मैं और कट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लास्ट 2 से मल्टीप्लाई करना, 6 2 12 का 2, 8 जाएगी 1, 5 10 11 का 1, 8 जाएगी 1, 6 2 12, 1 जाएगी 3, 8 जाएगी 1, 6 7, क्या क्या आ रहे हैं, 4 2 6 8 2 10, 6 16 का 6, 8 जाएगी 1, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, 10 11 12, 1 7 और 1 8 और 1 9, इतना आ रहा है, 9 2 8 6 2 4, 9 2 8 6 2 4, सभी का आ रहा है इतना, कोई किया है मल्टीप्लाई। तो ये मैंने अभी पॉइंट तो ध्यान नहीं दिया है ना, पॉइंट तो मैंने छोड़ दिया, और नॉर्मल में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया जैसे होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद तीन अंक थे, कितने अंक थे, तीन, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दो, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ये तीन और ये जो दो रहते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 5 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव आपको लगाना है, गिनना चालू कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना आएगा आपका आंसर, कितना आएगा, 9.28624, ठीक है। और देखेंगे तो वैसे ही 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, लेकिन ये 2.5 था और वो भी 3.5 था, ठीक है। तो 9.28624 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है ना कैसे होता है, साधारण गुणा करना है, और गुणा करने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं दोनों को जोड़ लेना है और दशमलव को लगा देना है, दशमलव से बिल्कुल भी डरने वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे, भाग करने का है ना, भाग करना है आपको, तो ये करके बताना है, ठीक है। जनरली भाग करने में ही दिक्कत होती है, और भाग करने वाला जो चीजें हैं वो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, ज्यादा फंसेंगे। चलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, ले लिया है इसको, क्या करना है, 9.36 इसको भाग करना है 0.004 से। ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, पहले आपका करिए दशमलव को भूल जाइए है ना, और नंबर लिख लीजिए 9 3 6। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, पहला तरीका की बात कर रहा हूँ,
आप देखेंगे दशमलव के बाद नीचे में कितनी संख्या है, तीन संख्या है। अगर दशमलव हटाना है तो हमको इसको एक दो तीन प्लेस राइट साइड खसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कहिए, इधर से भी दशमलव हटा दीजिए और इधर से कितना प्लेस, जैसे नीचे से आपने तीन प्लेस राइट साइड किया, ठीक है, तो ऊपर से भी आपको जो पॉइंट है हमको तीन प्लेस राइट साइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी दो ही प्लेस हुआ है, यहाँ पे था दशमलव तीन के पहले, इसको इधर करेंगे तो एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ऊपर भी तीन प्लेस खत्म हो गए, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दशमलव जीरो। नीचे से भी क्या आएगा, जीरो जीरो करते करते फोर आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ गया जीरो। ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से तीन प्लेस राइट साइड किया है, क्यों? नहीं क्योंकि सर, नीचे से नहीं दशमलव आया सर, ऐसा कौन समझ में नहीं आया सर। दशमलव यहाँ पे था, ठीक है। इसको मैंने उठा करके ये एक प्लेस, ये दो प्लेस और ये तीन प्लेस, इसको खसका करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर चार किधर आया, तो ऊपर से भी मैं क्या करूंगा, तीन प्लेस इधर खसका दूंगा, जहाँ पे देखिए यहाँ पे दो ही प्लेस था तो मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो ले लिया, तीन प्लेस ये हो गया, ठीक है। अब बस दशमलव खत्म हो गया है, इसको आपको नॉर्मल काट लेना है चार से। कैसे काटेंगे, चार से काटिए, चार दूनी कितना होगा, आठ, एक बचेगा चार तिया बारह, और एक बचेगा चार बारह चौदह, 234 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 234, और एक जीरो बचा हुआ है हमारा, ये तो कटा ही नहीं है ये आंसर, ठीक है। ये जीरो का हम लोगों ने भूल गया था, छह तक भाग दिया था। दूसरा एक तरीका आप लोग और कैसे कर सकते हैं, जो आप लोग को पता है, ठीक है। दूसरा तरीका एक और होता है, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रेड पेन से दूसरा सेकंड में कर देंगे, 9.36 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका है, 9.36 है। इसके नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था, दशमलव था ना, तो उसके नीचे एक लिखेंगे, डबल जीरो लगा लेंगे, ठीक है। बटे में क्या करेंगे, 0.0004 था, यहाँ पे केवल चार लिखेंगे, और कैसे करेंगे, शून्य को दशमलव है वहां पर एक लगा देंगे, देखेंगे यहाँ पे तीन जीरो है ना, तीन अंक है, यहाँ पे तीन जीरो लगाएंगे, एक दो तीन जीरो, ठीक है। अब बस इसको क्या करेंगे, पलट लेंगे। कैसे पलटते हैं, ये है 936/100, ठीक है, मल्टीप्लाइड नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्या बचेगा, एक दो तीन जीरो बटे चार, इस प्रकार से बचेगा, ठीक है। एक जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे 100 से, ठीक है, चार से ये कट जाएगा, 936 कितने बार कटेगा, दो तीन चार, और यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो ये ऐसे भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 2340, ठीक है। ये दूसरा मेथड समझ में आया सभी को, है यस सर, ना, यस दो सर, जिससे आपको बनाना चाहे उससे वो बना सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा मेथड भी है, मैं बता दूंगा कभी। चलिए, सरल वाला, सेकंड वाला आप लोग को सरल लगा होगा, है ना। यस सेकंड वाले मेथड से फिर कर लेते हैं, सेकंड मेथड से 2.4 है, इसको कैसे लिखेंगे, 24/10, फिर पूरा बटे, ये बड़ा वाला बटे ले देते हैं, ठीक है। दशमलव बाद कितना अंक है, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार अंक दिख रहे हैं, कितने अंक है, चार अंक है, ठीक है। तो छह लिखूंगा मैं, नीचे में एक लिखूंगा और कितने जीरो लगाऊंगा, चार, एक दो तीन चार जीरो लगा दिए, बस खत्म हो गया। अब इसको ऊपर नीचे पलट देना है, जैसे भाग के नीचे भाग रहता है तो उसको पलट देते हैं, ये क्या होगा, 24/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक दो तीन चार, नीचे में बटे क्या रहेगा, छह रहेगा, ये जीरो से एक चौबीस कैंसिल होगा, ठीक है। छह से क्या होगा, 6 चौक 24, तो चार के बाद कितना, एक दो तीन, ये आंसर हो जाएगा हमारा, अरे ठीक है। सभी को समझ में आया क्या, ठीक यस है। ये बहुत सिंपल है, ये पहला मेथड है। अगर दूसरे मेथड से चलेंगे तो यहाँ पर जितना खसकाए हैं जीरो, नीचे वाले में कितना पॉइंट खसका रहे हैं, एक दो तीन चार, और ऊपर में केवल एक ही है, तो तीन एक्स्ट्रा जीरो लेना पड़ेगा। दूसरे मेथड अगर आप करते हैं इसको, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ऊपर में आपको एक है, तो दो चार, एक दो और तीन लेना पड़ता, तभी तो तीन पॉइंट चार पॉइंट इधर जाएगा ना, दशमलव यहाँ पे था, क्योंकि ये खसक के तीन पॉइंट इधर आ जाएगा, और नीचे में कितना करना पड़ता है, यहाँ पे छह ही हो जाता है, ये इधर खसक जाता है, तो ये करेंगे तो भी आपको वैसे ही आंसर आएगा, 6 चौक 24, और एक दो और तीन जीरो आपका बच जाएगा। तो फाइनली आपको मिलना कितना ही है, फाइनली आपको 4000 मिलना है, ठीक है। ये भाग बता रहा हूँ, भाग में और भी बहुत सारे हैं, इसको भी करके देखिए, सभी भाग हैं आपके, भिन्न का भाग आपको जरूर एग्जाम में आता है, इसका आंसर आप लोग बताइए, कौन बताएगा। एक दो तीन पांच, दो तीन चार पांच,
है, समझ में क्या रहेगा? 6/10, इसको पलट देंगे ऊपर में, क्या रहेगा? 24 के बाद कितना है, 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, मल्टीप्लाई करेगा 10/6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो देखेंगे 6 चौक 24, तो आपको क्या मिला? 4/1 के बाद कितना जीरो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देखो यहां तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी दशमलव भिन्न में बदल नहीं पाएंगे इसको, फिर जैसे नीचे जीरो लगाते हैं ना हम लोग, तो उसको वापस ले जाना पड़ता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो नीचे में कितना जीरो बताओ, 1, 2, 3, 4 जीरो, तो दशमलव जब लगाएंगे तो 4 अपन करेंगे लेफ्ट के तरफ, तो ये देखो ये एक संख्या को 1, 2, 3, 4 दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो आपको इस बार ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, चाहो तो यहाँ पे और जीरो लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो दशमलव के बाद अगर 0 0 है, उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या आ गई है, तो इसका मतलब होता है, अगर ये 4 नहीं होता तो यहाँ पर इन 0 3 0 कोई मतलब नहीं होता, तो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, और आपको ऑप्शन में इसी प्रकार का 0.004, 0.04, 0.4, इसी प्रकार के ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे, समझ में आई वाला? चलिए यस मैं कल ऑप्शन वाले प्रश्न करवा दूंगा, ऑप्शन इसके दशमलव वाले, लेकिन उससे पहले अभी आज की क्लास में हम लोग को एक और इम्पोर्टेंट चीज सीखनी है, जो कि जनरली एग्जाम में पहले बहुत आ रही थी, आजकल थोड़ा सा कम पूछा जा रहा है, लेकिन पूछ सकता है कभी भी, उसका नाम है आवर्त दशमलव, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल, क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल। अब ये रिकरिंग डेसिमल क्या बला होती है? ये बला कुछ नहीं होती, जरूरी नहीं होता है कि हर बार भाग दे और वो पूरा पूरा भाग चले जाए, ठीक है, कैसे होता है देखो, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं 10 को 3 से भाग देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, 3 3 9 जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा यहाँ पे, फिर दशमलव लगाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 3 3 9 होगा, फिर ये 1 बच जाएगा, दशमलव लगा हुआ है तो फिर 0 लगा लेंगे, फिर 3 3 9 होगा, तो ये कभी खत्म होने वाला है क्या? गई ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये 3 3 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दशमलव ऐसे 3 3 3 3 लिखते जाओगे, तो उससे अच्छा ये है कि आप ऐसे करो, 3 दशमलव 3 लिख दो, और उसके नीचे ऊपर में एक तो या तो पॉइंट लगा दो, या तो उसके ऊपर बार लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, तो पॉइंट लगाओ या तो बार लगाओ, ये जो इस प्रकार से बनता है भिन्न, ये भिन्न नहीं है एक प्रकार का, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान होता है 10/3, 10/3 करने से आता है ना, ठीक है, इसका मान क्या होता है, 10/3 हो जाता है, तो जो दशमलव के बाद अनंत तक संख्या जाती रहती है, वो नहीं रुकती है भाग देने से भी, उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, मतलब कि आवर्त दशमलव, तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, ऐसी दशमलव भिन्ने जिनमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति होता है, मतलब कि क्या होता है, कंटिन्यूअस रिपीटेशन होता है, उसे हम लोग आवर्त दशमलव, इंग्लिश वाले रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा होता है कि अंतिम अंक के ऊपर में बिंदु लगाते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं, ये इसलिए मैं आपको लिख करके या फिर लेकर के आता हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग पास ये पीडीएफ रहे और आप इसको कभी भूले ना कि आवर्त दशमलव क्या होता है, एक बार छोटा सा डेफिनेशन पढ़ लेंगे, कभी कभी डेफिनेशन से प्रश्न आ जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, 5/3 का एग्जाम्पल है, 1.6666 आप भाग दे के देखना ऐसे जाएगा, उसको 1.6 के ऊपर या तो पॉइंट लगा सकते हैं इस प्रकार से, या तो बार लिख सकते हैं, जिस संख्या का रिपीटेशन होगा उसी के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है, सबके ऊपर आप बार नहीं लगा देंगे कि आप लोग 1 के ऊपर भी लगा दिया और 6 के ऊपर भी लगा दिया, ऐसे मत करिएगा, ठीक है, देखो 5/18 है, एक और एग्जाम्पल क्या है, 5/18, तो ये कह सकते 0.2, एक संख्या का रिपीटेशन तो नहीं हुआ, तो जरूरी है दशमलव के बाद आने वाली सभी संख्याओं का रिपीटेशन, हो सकता है 2 3 का हो, उसके बाद 2 3 का ना हो, 2 का नहीं हुआ, बाकी के 7 का ऐसे चलते रहेगा, जैसे 3/7, इसको ध्यान देंगे ऐसे भाग करेंगे ना जवाब, तो क्या होगा, 0.42851, यहाँ तक ठीक ठीक जाएगा, उसके बाद फिर ये रिपीट हो जाएगा, 4 4 2 8 5 7 1, फिर क्या होगा, 4 2 8 5 7 1, तो इसमें कैसे करेंगे, जिसका रिपीटेशन हो रहा है ना, 0.42851 सभी के ऊपर में यहाँ पे बार लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, और लोग सोचते हो कि इसमें प्रश्न कैसे आएगा, तो देख लेते हैं प्रश्न हमारा कैसे आएगा इसमें,
ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएंगे और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न देख लेंगे, BSF RRB 2019-97 2008 पुराने प्रश्न है थोड़े से, लेकिन मैथ्स पूछा जा सकता है कभी भी, देखेंगे अब इसको। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का ऑप्शन के साथ में जिसको हम लोग कर रहे हैं। 0.47 के ऊपर में बार लगा हुआ है वो सरल भिन्न में बदला जाता है। तो पहले मैं एक ठोक मेथड करके बता देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ PSC के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स की क्लास ले रहा हूँ तो PSC के लोग देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो ऑप्शन दिया जाता है इसको एक्स मान लिया जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, 4.7 4.7 4.7, ये लगातार हो रहा है, इसको आप मैक्सिमम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, ठीक है, वो खत्म नहीं होगा। तो पहली बार क्या करेंगे, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, घबराने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इक्वेशन वन, फिर क्या आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, ठीक है, फ्री में नहीं लिखना पड़ेगा, मेंस में से लिखना पड़ेगा, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ये 10x हो जाएगा, ठीक है, बराबर में क्या होगा, 10 का मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए 4.7 है, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो क्या बन जाता है, 4.7 बन जाएगा, ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 इस पार आ जाएगा, बाकी वो रिपीटेशन चलता रहेगा, 4.7 4.7 4.7 4.7 ऐसे चलते रहेगा। तो आप लोग को देखना कि दशमलव के बाद जो संख्या है उसका रिपीटेशन होगा तभी काम बनेगा। यहाँ पर रिपीटेशन हुआ कि यहाँ 4.7 है, यहाँ पर कितना दशमलव बाद 7.4 है, तो एक काम करेंगे इसको इक्वेशन टू कर देंगे, इसके बाद इक्वेशन टू में एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये, यहाँ पे जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, 100x बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, 7 और बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 47, क्या होगा, 0.47 4.7 4.7, ठीक है। अब देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3, ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं शॉर्टकट इसका बताऊंगा अभी कैसे बनाते हैं शॉर्ट में, लेकिन जो PSC का जो देंगे तो वे लोग थोड़ा ध्यान देंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे, ये देखो 4.7 4.7 4.7 यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है, ये आपस में क्या हो गया है, दोनों इक्वेशन पॉइंट के बाद सेम हो गई, कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 3 एंड 1, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के बाद 1 को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से क्या होगा, माइनस करने से होगा ये, देखेंगे यहां से इसको माइनस कर दीजिए, 100 में से 1x जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 99x, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना वन वाले, तो 99x बचेगा, और दशमलव के बाद 4 में से 4 जाएगा शून्य, ठीक है, 7 में 7 जाएगा तो शून्य बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 47 बचेगा, और एक्स का मान कितना आ जाएगा, 47/99, ठीक है, इसी को आपने एक्स माना था, 47/99, और यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान क्या था, ये था ना 0.47 4.7 4.7, और एक्स का आपने नया वैल्यू क्या निकाला है, 47/99, ये सभी को समझ में आया क्या, ठीक नहीं सर, एक बार आप बताइए। नहीं नहीं आया, वेरी गुड, आया सर। क्या था कि नहीं आएगा, ठीक है, चलिए तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ उसी में आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये तो थोड़ा PSC और मेंस वालों के लिए मैंने बताया था, क्योंकि तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आपके शॉर्ट ट्रिक के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, 47 है, ठीक है, क्या है, 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब भी ऐसा मिलेगा कि इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना मतलब अंश और हर में इसको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना भिन्न में बदला जाए, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में आना है, तो जो संख्या रहती है उसको वैसे ही लिखा जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने बार नीचे में क्या लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, और वो आंसर हो जाता है, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, यस सर, ठीक है, दशमलव कोई भी के बाद जो संख्याएं होती हैं उनको वैसे ही लिखा जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं में बार होता है उतने बार 9 9 लिखा जाता है, ये जो ट्रिक है अभी इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है, ठीक है, और बाकी मैंने डिटेल में मेन सवालों के लिए बता दिया, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी फिर गलत हो जाएगा आप लोग का ट्रिक, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका मान बताएंगे यहीं सेकंड पे गलत, भी है सर, इसका मान तो हाँ इसका मान दूसरा है, इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक तो वही है, तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि जो संख्या दी रहती है
उसको वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। फिर ऊपर में देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर में देखते हैं कि जिसके ऊपर अच्छा बार नहीं रहता है, जिसके ऊपर बार नहीं रहता है उसको माइनस करना पड़ता है। किसके ऊपर बार नहीं है? पांच के ऊपर ना, तो हम लोग पांच को माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने बार नौ लिखा जाता है। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार नौ लिखा जाएगा, और दशमलव के बाद ही देखना है, जो नीचे वाला रहता है ना हमारे हर में, ये केवल दशमलव के बाद, आफ्टर पॉइंट, दशमलव के बाद। बाद मतलब हम लोग बात कर सकते हैं कि अब दशमलव के बाद यहाँ पांच के ऊपर बार नहीं है तो उतने बार शून्य लिखा जाता है। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उतने बार शून्य लिखा जाएगा। इसका मान आया क्या? 52/90, ठीक है। और ये कट रहा है क्या? यस, ये कट रहा है, दो से कटेगा ये 26 बार में, और ये कटेगा 45 बार में। भिन्न जो होता है वो सरलतम रूप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26/45, ठीक है। समझ में आया? क्या यस सर, बोल रहा हूँ मैं? दो संख्या दी रहेगी उसको वैसे ही लिखना है, फिर देखना है जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, फिर नीचे में देखेंगे। दशमलव के बाद की बात है, अगर एक संख्या के ऊपर बार तो एक बार नौ, दो संख्या के ऊपर तो दो बार नौ, तीन संख्या के ऊपर तो तीन बार नौ, ठीक है। और किसी के ऊपर बार नहीं है तो जीरो लिख देंगे, दशमलव के बाद ही होना चाहिए तो एक बार जीरो, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए इसको लॉन्ग कट से आप लोग बना लेंगे, है ना, क्योंकि मेंस में उस प्रकार से बनाने के लिए आ सकता है। अब देखिए थोड़ा सा और डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखेंगे जैसा दिया है पहले संख्या को उसी प्रकार से लिख लेंगे। ये संख्या क्या रहेगी? 808, ठीक है। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे 08 मतलब कि 8 के ऊपर बार है इसको माइनस कर देंगे। अब बटे में नीचे क्या लिखना है? नीचे क्या लिखना है? जिसके ऊपर बार है वहां पर उतने बार नौ लिखना है। दो संख्या के ऊपर बार है तो दो बार नौ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद दो संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे दो बार जीरो लिख देंगे। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 800/99/100, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा? 8/99, मतलब कि फर्स्ट वाला आंसर। ये समझ में आया सभी को? जी सर, लॉन्ग कट में कैसे करेंगे? उसको एक्स मानेंगे और 10 10 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? जब तक दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो बराबर ना आ जाए। कैसे करेंगे एक बार और देख लेंगे, जो लॉन्ग कट वाले हैं मेंस में काम आएगा, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देंगे इधर। एक्स बराबर 0.08, ठीक है, और 0.08, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 10x करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1 0 उधर खसकेगा, ठीक है, तो क्या बचेगा? ये 0.8 0.8 0.8 ऐसे चलते रहेगा। फिर एक बार अभी क्या, यहाँ पे क्या है? 0.8 है, ऊपर में क्या 0.08 है। एक बार और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 100x। यहाँ पे क्या होगा? 8, 1 पॉइंट और राइट साइड शिफ्ट होगा, 8.08 0.8। अब देखेंगे इसमें 0.8 0.8 0.8 है और यहाँ पे 0.8 0.8 0.8 है। ये दोनों का आपस में क्या हो गया? पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो गया ना, ठीक है। तो बस यही तो आपको चेक करना है, पॉइंट के बाद रिपीटेशन मिला तो मजा आता है। कैसे मजा आता है? 100 में से एक्स को घटा दीजिए, क्या बचेगा? 99x। फिर से समझ लेंगे एक बार, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद तो सेम है ना, 0.8 0.8, ये तो कैंसिल होते जाएगा। यहाँ पे 8 बचा हुआ, बचे केवल क्या बचेगा? 8 बचेगा। फिर जब एक्स का मान आप लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/99, जो कि आंसर है। तो जो लॉन्ग ट्रिक होता है ना वो आंसर होता है, और जो शॉर्ट ट्रिक होता है लॉन्ग ट्रिक से ही बनाया जाता है, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। 3 लाइन में देखो समझाने में पहले बार टाइम लगेगा, इक्वेशन 1 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 10 लिखूंगा तो टाइम तो लगेगा। जल्दी करेंगे तो लॉन्ग ट्रिक बुरा नहीं है, और यहाँ पे आपको मेंस में नंबर मिलेंगे, है ना। चलिए अब देखो, अगर पूर्णांक आ गए साथ में तब क्या करोगे? तो और दिक्कत है, पूर्णांक मतलब कि नंबर भी, अगर 2.1 आ गया ना, 2.1 आ गया, तो इसके लिए पहले शॉर्ट ट्रिक तो वही है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले जो नंबर दिया है उसको वैसे लिखना है दशमलव हटा करके, ठीक है।
1 3 लिखना है। ये देखना है कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग को माइनस कर देना है। तो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 21। अब नीचे में देखना है, नीचे में दशमलव के बाद ही देखना है। ये दो दो से मतलब नहीं होगा आपको नीचे हर में, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पे दो संख्या है 3 और 6, इसके ऊपर बार 2 बार 9 लिख देंगे। इसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद 1 है लेकिन उसके ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग 1 0 लिख देंगे और हमारा काम खत्म। जिसको माइनस करिए, 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 2 बचेगा। डिवाइड पे क्या रहेगा, 9 9 0, ये आ रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं आ रहा है। काटिए किससे, 5 से, देखेंगे 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, नीचे से काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नियम 45, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, और कट रहे क्या, और काटिए, 423 अभी भी नहीं आ रहा है। 8 9 9 9 18, 4 2 6 3 9, देखो 9 आ रहा है, सभी अंकों को जोड़ने मतलब 9 से कटेगा, 9 चौक 36, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, 9 7 63, इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 और 1 बचेगा, 9 दूनी 18 कितना है, 47/22, हमारा आंसर आ रहा है 47/22। अभी कुछ दिया हुआ है क्या इस प्रकार का, इस प्रकार का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 220 दिया हुआ, इसको भाग करके देखते हैं 22 से कितने बार जाएगा, 22 दूनी 44 और 3 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, 22। ये समझ में आया क्या, भाग दे दीजिए, यस अच्छा है, थोड़ा ठीक है। काटना है सिर्फ, और कुछ नहीं है, इसको भी आप लॉन्ग टिप से बनाएंगे तो बनता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप लोग करके देखिएगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है ज्यादा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, एक लॉन्ग टिप से बना सकते हैं, स्पेस खाली है, और इसके नीचे